तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और आज हम एक और अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आए हैं फ्रॉम अमेज़ॉन। और ये जो चीज़ है इस बॉक्स के अंदर वो आपकी किचन, ये खास करके किचन में बहुत हेल्पफुल होगी, खास करके लेडीज़ के लिए बहुत बढ़िया आइटम है। तो हम आज बात करेंगे कैसरोल मिल्टन कंपनी का, तो देखते हैं कैसा है ये मिल्टन कंपनी का कैसरोल। इसको हम अभी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये दोस्तों मुझे पड़ा है तकरीबन 700-800 रुपए के बीच में, और ज़्यादातर जो कंपनीज़ के रहते हैं कैसरोल्स वो चालू कंपनी के भी इतने में हो रहे थे, बट बिकॉज ऑफ दिस अमेज़ॉन ग्रैंड इंडियन फेस्टिवल ये कैसरोल हमें बहुत चीप प्राइस पे मिला है। और देखते हैं कैसा है। अब हम इसे ओपन करते हैं। ये दिस इज मिल्टन्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल्टन का स्टील थर्मोवेयर इंसुलेटेड कैसरोल, 1500 लीटर का है ये। ये देख सकते हैं आप, 1500 लीटर नहीं दोस्तों, 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर का। 1500 लीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो देखते हैं अभी इसके और डिटेल्स। देखिए इसके MRP है यार तकरीबन 900 रुपये, अप्रॉक्स 200 रुपीज़ का मुझे डिस्काउंट मिला है। और ये एक वन ईयर की वारंटी है, और मिल्टन बहुत ही अच्छा ब्रांड है, तो ऑब्वियस है कि काफ़ी बढ़िया होगा। सो अब हम इसे ओपन करते हैं। ये इसकी लीड है, आप देख सकते हैं बिल्कुल शाइनिंग है, ब्रांड न्यू। और ये जो स्टेनलेस स्टील होगा वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा एज़ फार एज़ द ब्रांड इज़ कंसर्न। ये देखिए, इसको अभी मैं बंद कर रहा हूँ, और ये देखिए पूरी तरह से ये यहाँ से लॉक हो जाता है, राइट, ताकि आपका खाना ज़्यादातर तक गर्म रहे, फ्रेश रहे। इसको ऐसे ओपन करते हैं। अब हमें पूरा इसको ऊपर से नीचे, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, ऐसा लगता है कि मिरर है, इतना शाइनिंग है। सो दिस इज़ इट फ्रेंड्स, आप ये बहुत अच्छा है और अच्छी कैपेसिटी का है, प्राइस के हिसाब से ये प्राइस इज़ जस्टिफाइबल। और अगर आपको भी यही अगर ख़रीदना है तो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके अपने लिए सेम खरीद सकते हैं। खास करके लेडीज़ को ये बहुत पसंद आने वाला है। सो दैट्स इट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हम और वीडियोस आपके लिए बना सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई और अनबॉक्सिंग चाहिए। विल डू इट फॉर यू, थैंक यू।